गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे आपको पता ही है कि हमें फर्स्ट चैप्टर पहले ही कर चुके हैं, आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ द कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये भारत की राजधानी है जो दिल्ली है। दिस मेट्रोपॉलिटन सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये जमुना रिवर के किनारे है। किसके किनारे है? जमुना रिवर के किनारे है। ये देखो, आप पेंसिल से मार्क कर लेना जो जो भी मैं लिख रही हूँ। दिल्ली सराउंडेड बाय हरियाणा ऑन ऑल साइड एस्पेक्ट द ईस्ट बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये सराउंडेड बाय ये हरियाणा के साइड से घिरी हुई है और इसका एक बॉर्डर उत्तर प्रदेश से टच होता है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री दिल्ली वॉज द फर्स्ट बुलेट बाय द पद्मा किंग्स ने इन्हें जो पहली राजधानी बनाया था, हम कह सकते हैं कि दिल्ली को बनाया था। दिस सिटी वॉज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ। तो एक टाइम में इसे इंद्रप्रस्थ भी बोला जाता था। लेटर ऑन द मुगल एम्पायर शाहजहां रिबुल्ट द सिटी एंड नेम्ड इट शाहजहांबाद। तो उसके बाद इसे जो शाहजहां था मुगल बादशाह, उसने इसे रिबुल्ट किया था। रिबुल्ट होता है दोबारा बनाना, ठीक है। बुल्ट होता है बनाना, रिबुल्ट होता है दोबारा बनाना। तो तब उन्होंने इसका नाम शाहजहांबाद रख दिया था। दिल्ली वॉज प्लान्ड बाय सर एडविन लुटियंस। द ब्रिटिश मेड इट कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। तो इससे पहले जो कैपिटल थी कोलकाता थी, उसके बाद 1911 में तो जो ब्रिटिश थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, गवर्नर जनरल, तो उन्होंने भारत को भारत की राजधानी बनाया था दिल्ली को। द मेन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। द प्रेजिडेंट द प्राइम मिनिस्टर अदर यूनियन द मेन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो जो मेन ऑफिस है ये न्यू दिल्ली में है। द प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर अदर यूनियन मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव्ड एंड वर्क इन न्यू दिल्ली, ठीक है। जो हमारी केंद्रीय सरकार है वो काम कहाँ करती है? दिल्ली में करती है। द एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स होते हैं जो राजदूत है, किसी और देश में जाके हमारी प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे राजदूत बोला जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो लाइव इन दिल्ली। The main offices of government and city are located in Old Delhi. The President of India lives in Rashtrapati Bhavan. तो जहाँ पर President रहता है उस जो building का नाम है राष्ट्रपति भवन है, which has many beautiful garden, जिसमें garden बहुत अच्छे अच्छे include the Mughal garden. During the spring season garden public as also visit this garden. तो जो स्प्रिंग सीजन होता है ना, बसंत का सीजन होता है, जब फ्लावर बहुत ज़्यादा होते हैं तो आम लोगों को लिए खोल दिया जाता है ये मुगल गार्डन है। जो नियर राष्ट्रपति भवन देयर आर टू ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरिएट एंड पार्लियामेंट हाउस। तो यहाँ दो ब्लॉक हैं, एक सेंट्रल सेक्रेटरिएट के और पार्लियामेंट हाउस। द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी अदर मिनिस्टर आर लोकेटेड इन दिस ब्लॉक ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरिएट। तो जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट केंद्रीय सकत्रेत है, वहाँ पे ऑफिसेज हैं मिनिस्टर्स के। दिल्ली इज ऑल्सो अ स्मॉल यूनियन टेरिटरी हैविंग इट्स ऑन गवर्नमेंट। तो ठीक है, इसकी ये यूनियन टेरिटरी है, मीन्स यहाँ ये कोई स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, यूटीज है, यूटी है, यहाँ पे अलग से प्रशासन होता है, ठीक है। दिल्ली हैज़ अ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे गवर्नर नहीं होता, यहाँ पे राज्यपाल होता है, ठीक है। तो इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है यहाँ पे। प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। तो जो कौन कौन सी जगहें हैं जो हम दिल्ली में देख सकते हैं? दिल्ली है एज ए मन मैनी वर्थ विजिटिंग प्लेस।
तो दिल्ली में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे इंडिया गेट हो गया, ठीक है, अमर जवान ज्योति होगी, जंतर मंतर हो गया, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल एंड राजघाट, राजघाट जहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि है। उसके बाद हो गया मुगल गार्डन, ठीक है, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। सफदरजंग टॉम, तो यहाँ पे पढ़े द प्लेसेस विजिट इन दिल्ली, दिल्ली हैज मैनी वर्थ विजिटिंग प्लेसेस, दिस इंक्लूड रेड फोर्ट बिल्डिंग बाय शाहजहां, कुतुब मीनार, आयरन पिलर, मेहरौली, हिमाउंज टॉप, ओल्ड फोर्ट, सफदरजंग टॉम, लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर, नेहरू पेट्रेल पेल्टनेरियम, जंतर मंतर, अक्षरधाम टेम्पल, मैनी अदर मोनूमेंट्स आर लोकेटेड है। तो यहाँ पर और बहुत सारे स्मारक हैं ये, जहाँ पर मोनूमेंट्स स्मारक होते हैं। इन इंडिया गेट इज ऑन अ राजपथ, तो जो इंडिया गेट है राजपथ पे, एट द अमर जवान ज्योति अ फ्लेम टू कीप्ट बर्निंग 24 आवर्स, जो अमर जवान ज्योति है ना वो शहीदों की याद में, और 24 आवर्स 24 घंटे क्या है, ये जलती रहती है। इट रिमेन अबाउट दोज हु सेक्रीफाइज देयर लिव्स फॉर द शेक ऑफ द कंट्री, तो जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। राजघाट इज समाधि ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन। दिल्ली हैज 100 ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा एंड चर्ची। पता है यहाँ ये एक रिलीजन सिटी नहीं है, जैसे कि हम बोल सकते हैं ना कई सिटी रिलीजियस सिटी होती है, जैसे अमृतसर है, यहाँ पर ज़्यादा लोग सिखिज़म से बिलोंग करते हैं, है ना, ऐसी अदर सिटीज़ है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ कल्चर, वैरायटी ऑफ हम बोल सकते हैं एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक धर्म के लोग नहीं रहते, यहाँ पे पूरे देश से लोग आके बसते हैं, ठीक है। फेस्टिवल्स ऑफ दिल्ली, पीपल ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया लिव इन द वर्क लिव एंड वर्क इन दिल्ली, तो यहाँ पे रहते हैं एंड काम करते हैं। मैनी ऑफ देम वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, ज़्यादा तो इनमें से लोग हैं जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, तो हर किसी की लैंग्वेज अलग है, ठीक है, कोई तमिलनाडु से है, कोई कर्नाटका से है, कोई जम्मू से है, कोई असम से है, ठीक है, कोई मेघालय से, अलग अलग स्टेट्स के लोग रहते हैं। हिंदी दे स्पीक ऑन लैंग्वेज इन एडिशन टू द हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश भी बोलते हैं ना, अपनी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इन दिल्ली, तो सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, होली, दिवाली, दशहरा, राखी, लोहड़ी, ईद, मुहर्रम, गुरपुरब, ये देखो, तो ये कुछ दृश्य है। रिपब्लिक डे पे ये ईद की सेलिब्रेशन है, दशहरा है, क्रिसमस, पोंगल, ओणम, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, अदर फॉल वॉल की सैर इज अ स्पेशल फेस्टिवल, ठीक है, ज्वाइंटली बाय द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, तो यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों के द्वारा त्यौहार। क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट, द समर आर वेरी हॉट एंड द विंटर आर वेरी कोल्ड, तो यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी में गर्मी बहुत एक्सट्रीम हम कह सकते हैं इसका टेम्परेचर है। तो यहाँ एक ड्राई विंड होती है, उसे लू बोलते हैं, ठीक है, ब्लो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, इट रिसीव्स रेन फॉल इन जुलाई, तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है जुलाई में होती है। दिल्ली इज़ अ बिग बिजनेस सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है, ठीक है, टूरिस्ट, ट्रेडर्स, पॉलिटिशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलवेज विलिंग टू कम टू दिल्ली एट द हार्ट ऑफ इंडिया, तो दिल्ली को इंडिया का हार्ट बोला जाता है, तो हर कोई यहाँ पे आके रहना और व्यापार करना चाहता है। होप आपको ये लेसन समझ आया होगा।